सो हेलो गाइज नाउ एज यू ऑल नो कि मैट ट्रिप्स की द बैटमैन मूवी जो निकल के आती है इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कॉमिक बुक मूवीज़ विच आई कंसिडर एप्सोल्यूटली टेन आउट ऑफ टेन एंड नेचुरली इसी वजह से जब उसके बाद द पेंगुइन का कह सकते हो कि लाइव एक्शन शो अनाउंस हुआ था जो हमें इसी स्टोरी की कंटिन्यूशन देखने को मिलेगी तो मैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था एंड सिंस आई है फाइनली वॉच्ड इट इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इट सो आज के इस वीडियो में मैं दी पेंगुइन से ही रिलेटेड अपना स्पॉयर फ्री रिव्यू तुम्हारे तो साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे ये सीरीज कितनी ज़्यादा पसंद आई और क्यों तुम्हें ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए सो so, ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को शुरुआत करते हैं द पेंगुइन के बेसिक प्लॉट के साथ सो दिस पिक्स अप राइट वेयर द बैटमैन एंडेड यानी कि हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उस ह्यूज फ्लड के बाद चीज़ें कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है गौतम सिटी में जहाँ कारमाइन फायलकोन की हमें डेथ देखने को तो मिली गई थी और उसी की वजह से अब उसका बेटा एल्बर्टो फायलकोन कह सकते हो कि न्यू हेड ऑफ द फैमिली बन चुका है यानी कि सब कुछ काइंड kind ऑफ of उसी के कंट्रोल में है बट दैट डज लास्ट लॉन्ग सिंस पेंग्विन मर्डर्स हैं और वो कह सकते हो कि इसी चीज़ को लेके इंटायर फैलकोन फैमिली के अगेंस्ट वॉर खड़ा कर देता है लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि एक्चुअली में अल्बर्टो का मर्डर पेंगुविन ने खुद किया था और कुछ इसी तरीके से ये शो कह सकते हो कि आगे प्रोग्रेस करता है जहाँ इस शो के अंदर हमें टोटल आठ एपिसोड्स देखने को मिले थे और हर एक सिंगल एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था क्योंकि यहाँ पर हमें कह सकते हो कि एक काफ़ी बेहतरीन ऑर्गेनाइज क्राइम ड्रामा देखने को मिला और ओवरऑल इन जनरल इस कह सकते हो कि शो की राइटिंग भी हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को मिली द पेंगुइन हमें इनक्रेडिबल देखने को मिला है ये शो बहुत ही ज़्यादा शानदार था ऑब्वियसली इसके अंदर घुसने से पहले मेरी हाई एक्सपेक्टेश तो थी ही बट स्टिल इट डिलीवर्ड इन ल दी एस्पेक्ट्स जहाँ हमें ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टोरी देखने को मिली है नॉट ओनली इट मैनेजेस टू एस्टैब्लिश पेंगुन एज दिस बिग एस होल हु टेक एनी अपॉर्चुनिटी टू रूल गौथम बट ऑल्सो एस्टैबलिश अलॉट ऑफ अदर कॉमिक बुक कैरेक्टर्स एज प्रामिस इंडिविजअल्स जो डाई हार्ट बैटमैन फैंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे यस दिस वॉज़ दैट गुड जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो इस शो का कह सकते हो कि हर एक सिंगल मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग निकल के आता है डेफिनेटली यदि बैटमैन की लेवल की कह सकते हो कि कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग या टाइमलेस स्टोरी तुम्हारे सामने ला नहीं रखता है बट इट इज़ स्टिल इनक्रेडिबल यहाँ पे राइटिंग हमें फिर भी काफी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिली है और जितने हमें कैरेक्टर आर्ग्स देखने को मिलते हैं जिन कैरेक्टर्स को हम फॉलो करते हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होते हुए नजर आते हैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी शानदार निकल के आई इस सीरीज़ की नौ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया दिस वॉज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज क्राइम ड्रामा विच बाय द वे इज समथिंग आई लव होल हार्टेडली और इसी वजह से मैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था फर्स्ट और सेकेंड अपीसोड देखने के बाद ही जिसकी वजह से मैंने बाकी अपिसोड्स आने के वेट किए हैं ताकि मैं एक साथ फिर इससे प्रॉपरली बिज वॉच कर सकूँ एंड इट वॉज डेफिनेटली वर्थ इट आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड इन दिस लाइटेस्ट मुझे कह सको कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि कि किस तरीके से शो फोकस करता है इस चीज़ पर कि गौतम की काइंड ऑफ हिस्ट्री क्या निकल के आती है और हमें कई सारे कह सकते हो कि ओल्डर इवेंट्स डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिलते हैं इस शो के अंदर जो चीज़ काफ़ी बढ़िया था गेट मोर फेमलियर दो ये जो कैरेक्टर्स हमें यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स निकल के नहीं आते हैं बैटमैन माइथोस में बट फिर भी उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स गॉड डैम जितने भी हमें जितने भी हमें एक्टर्स देखने को मिले हैं उनमें से मैक्सिमम लोग तो ने अपने कैरेक्टर्स को टू परफेक्शन पोर्ट्रे किया है इन माय ओपिनियन और डेफिनेटली पेंगुइन उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट निकल के आता है कॉलिन फेरल किल्ड इट ही वाज अमेजिंग ही वाज एब्सोल्यूटली इंसेंट डेफिनेटली पेंग्विन ही कह सकते हो कि इस स्टोरी का काइंड ऑफ प्रोटैगनेस निकल के आता है बट इसी सब के साथ साथ कुछ ऐसे अदर कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिले जो तुम्हें इक्वली ही इंप्रेस करते हैं जैसे कि सोफिया फैलकोन शी वॉज वन हेल ऑफ अ केरेक्टर और उसके कैरेक्टर के साथ तुम इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हो तो उस मामले में ना कैरेक्टर राइटिंग भी काफी ज्यादा शानदार थी जिसके साथ साथ अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो हर एपिसोड का डायरेक्शन मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हो कि हमें सेम सिनेटोग्राफर देखने को नहीं मिला है जिन्होंने दी बैटमैन के ऊपर वर्क किया था बट फिर भी कह सकते हो कि वो फील यहाँ पे मेंटेन रहती है जो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी म्यूजिक भी हमें काफी शानदार देखने को मिला है और राइटिंग की तो मैंने ऑलरेडी तारीफ की ही है लेकिन इन सब के ऊपर से ना पेंगुइन डेफिनेटली हमें एक बहुत ही तगड़े कैरेक्टर की तरह होते हुए यहां पर नजर आता है उसे एक प्रॉपर विलन की तरह पोर्ट्रे किया गया है उसे कह सकते हो कि एक इलेबल कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया गया है और वो चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई जिसके वजह से ही शो में कई सारे ग्राउंडेड ग्रिटी पेनफुल इमोशनल एस्पेक्ट ऐड होते हैं और तुम ऑल काइंड ऑफ इमोशन को फील कर पाते हो जो चीज़ अगेन एक काफ़ी बड़ा प्लस है इट रियली मेक्स मी एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल क्योंकि अगर देखा जाए तो इवन दो यहाँ पे हमें अभी वो चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं जो बैटमैन कॉमिक्स या फिर को जो सोर्स मटेरियल है उनके पास सबसे बेस्ट हैं ऑफर करने के लिए बट दिस स्टिल किल्ड इट स्पेशली फॉर कैजुअल फैंस अगर तुम उन लोगों में से एक हो ना जिन्हें कॉमिक बुक्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और तुम इन कॉमिक बुक मूवीज को ही सिर्फ ब्लाइंडली देखते हो तो तुम फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो सकते हो तुम्हें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में शायद जानने को मिल सकता है जिनके बारे में मे भी तुम्हें पता ना हो तो इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली मैट्रिवस के इस यूनिवर्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग बना देती है आखिर में तुम्हें यही कहूँगा कि दिप पेंगुइन एक हमें बहुत ही एब्सोल्यूटली इनक्रेडिबल शो देखने को मिला है जिसे तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली अगर तुम मैटरीव्स की द बैटमैन को इन्जॉय किए हो और तुम्हें लगा था कि इट वॉज़ एब्सोटली इनक्रेडिबल देन ये तो एक बहुत ही शानदार तुम्हें फॉलोअप देखने को मिलेगा इट वॉज पर्टिकुलरली ऑन दैट लेवल बट इट वॉज स्टिल समलर इट हैज स्टिल अलॉट ऑफ सिमिलर वाइब टू इट और वह चीज इंपॉर्टेंट भी निकल के आती है और इसी वजह से मैं ये भी लेके एक्साइटेड हूं कि बैटमिन पार्ट टू के बाद क्या हमें मैटरीवस के बैटमैन यूनिवर्स में ऐसी और स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं थ्रू टी वी शोज क्योंकि कह सकते हो कि इन फैमिलीज के बारे में जानना इन गैंगस्टर्स वगैरह को पोर्ट्रे करना मूवीज में उतना ज्यादा आसान निकल के नहीं आता है कई सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं कई सारे हिस्टोरिकल एलिमेंट मिस हो जाते हैं जिनको इंक्लूड करने के लिए एक लॉन्ग रनिंग शो की ही जरूरत पड़ सकती है एंड आई होप कि हमें फ्यूचर में ऐसा और भी देखने को मिले होल really बात की तरफ से रिकमेंडेड है तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए बैटमैन पार्ट टू आने से पहले तुम्हें यह देखना ही होगा समझने के लिए कि क्या क्या चीजें हुई हैं गौथम में सोफार तुम्हें से जिन लोगों ने ये शो कंप्लीट कर लिया है नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने मुझे बता सकते हो सो so सोगे ये थी वीडियो दि पेंगुइन के ऊपर आई होप्पू तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल पर कहीं से भी आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है नेक्स्ट बैटमैन मूवी को लेकर और तुम्हें और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो तुम टी वी शोज के फॉर्मेट में देखना चाहोगे इस बैटमैन यूनिवर्स के अंदर बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय स्टे ऑसम